नमस्कार। आज की ताज़ा एवं बड़ी खबर कुछ इस प्रकार। आज 19 अगस्त है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनांक 18/8/2024 की मध्य रात्रि 12 बजे एवं दिनांक 19/8/2024 की मध्य रात्रि 12 बजे कुल मिलाकर 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है। यदि कोई भी महिला किसी भी स्टॉपेज पर खड़ी है और वह रोडवेज की बस से यात्रा करना चाहती है तो बस रुकाने का संकेत करेगी और उस बस के चालक द्वारा उस महिला को बस में बैठाकर उसको गंतव्य स्थान तक यात्रा कराने के लिए बाध्य होगा, जिसका दिशा निर्देश माननीय परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह के द्वारा किया गया। पुलिस भर्ती से संबंधित बड़ी खबर। पुलिस भर्ती से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 दिनांक 23, 24, 25 एवं 30, 31 अगस्त को आयोजित होगी। यह परीक्षा दो पालियों में प्रातः 10 से 12 एवं सायं 2 से 5 बजे के बीच दो पालियों में आयोजित होगी। इस परीक्षा में 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इस परीक्षा में अन्य प्रदेश से भी परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। इन परीक्षार्थियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस महानिदेशक एवं परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को शासन ने पत्र लिखा है। परिवहन निगम की बसों में इन परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यह निःशुल्क यात्रा पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में दिनांक 22/8/2024 से 26/8/2024 एवं 28/8/2024 से 1/9/2024 तक रोडवेज की बसों में परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान की गई है। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश यह है कि वे कम से कम 3 एडमिट कार्ड की छाया प्रति अपने पास रखें, जिसमें से 1 छाया प्रति परीक्षा हाल में जमा होगा एवं दूसरी प्रति परिवहन निगम की बस में यात्रा करते समय परिचालक को छाया प्रति देनी होगी। ये पुलिस भर्ती से संबंधित बड़ी खबर मिल रही थी। आज की खबर में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।